हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी कविताएं हैं, यह है दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने वाला हूं। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप प्लीज़ जो है वीडियो को एंड तक देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें, यूज़र नेम आप सभी के सामने मैंशनड है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम पे आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। सो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मतमाता क्यों कहा है। तो जो हमारी कविता है यह दीप अकेला, इसके अंदर कवि ने दीप को यह बोला है कि जो दीप होता है हमारा, जिसको हम जलाते हैं, वो स्नेह से भरा होता है, गर्व भरा होता है और वो चमकता रहता है। तो इस कविता में कवि ने दीप अकेला जो है हमारा, उसको ये बोला है कि वो अस्मिता का प्रतीक है, मींस जिसमें लघुता में भी ऊपर उठने की गर्व भरी व्याकुलता है कि वो कितना भी मतलब बुरा समय हो, कितना भी वो छोटा हो, बट उसके अंदर वो ऊपर उठने की मोटिवेशन हमेशा होती है और उसके अंदर हमेशा वो प्यार रूपी तेल भरा रहता है। तेल के बिना तो जलता नहीं ना दिया। सो वो हमेशा गर्व से जलता रहता है और मस्ती से अपना प्रकाश चारों ओर बिखेरता है। जैसे एक दिया होता है, आप उसको दीप को जलाओगे, वो प्यार भरे जो है मतलब उससे तेल से आपको मतलब एकदम मस्त होकर आपको प्रकाश देगा। और ये अकेला होते हुए भी आलोक स्तंभ के समान है, मतलब वो दीप अकेला तो है पर वो अकेला ही पूरे अंधकार को मिटा सकता है। तो ऐसे ही एक दीप जो है वो व्यक्ति होता है जो समाज में बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो अगर वो समाज में जाएगा तो वो अंधकार दूर करेगा, समाज का कल्याण होगा। फिर अगला सवाल है, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। तो इस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो दीप है, जो हमारा दिया होता है, ठीक है, जो दिया इस तरीके से हम बनाते हैं, ये दिया जो है व्यक्ति का प्रतीक होता है, कोई इंसान। और यहाँ पे पंक्ति का जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब है समाज, मींस जो ऐसा व्यक्ति जो दीपक के समान चमकता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको समाज को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में अगर ऐसे व्यक्ति होंगे तो समाज का कल्याण होगा। ठीक है, समाज के साथ जोड़ना जरूरी है ऐसे लोगों को, जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है और अगर वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा तो वो कभी भी समाज का भला नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति अपने तक ही बस रहेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति को समाज में मतलब आप दे दोगे, समाज में अगर वो योगदान देगा तो वो पूरा समाज आगे बढ़ेगा, पूरा का पूरा देश आगे बढ़ेगा और राष्ट्र का विकास होगा, ये बताया जा रहा है इसके अंदर। फिर अगला सवाल है, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, ये जो लाइन आई है इसके आधार पर आपको बताना है कि ये जो व्यष्टि का समष्टि में विलय होता है, इसकी क्या उपयोगिता है। जो आप बात कर रहे हो समाज में मिला दो, उससे क्या होगा। मानव के लिए क्या है कि संगठित मानव व्यक्तित्व, आस्था और सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। इसके अंदर ये मतलब बताया जा रहा है कि जो हमारा एक व्यक्ति होता है, जो क्रिएटिव व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, ठीक है, जो कि आप समाज में ऐसे लोगों को देखोगे, कोई कोई होता है जो समाज के लिए बहुत कुछ करता है, कोई कोई होता है जो समाज के लिए कुछ भी नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो यूनिक है, ठीक है, जो औरों से अलग है, उसको आप अगर देखोगे, ये पूरी कविता ही हमारे व्यक्ति और समाज के बीच जो एक रिलेशन होता है ना, उसको बताती है कि क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा दायित्व है अगर हम समाज में रहते हैं। आपकी सार्थकता जभी है जब आप समाज के लिए कुछ करते हो। आपने अगर कोई नॉलेज ली है, आपके समाज का भला नहीं हो रहा, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। अकेला व्यक्ति समाज से कटकर किसी भी प्रकार अपने लाइफ को यूटिलाइज नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, समाज से ही आप हो और आप ही से समाज है। आपके अंदर कितने भी गुण हो, आप अगर समाज में नहीं हो तो आपको कौन भाई मतलब आप ये सोचो, आपके अगर नंबर अच्छे आते हैं तो आपको कौन तालियां बजाता है आपके लिए, समाज तालियां बजाता है। आप कुछ भी कर रहे हो, समाज में रहकर ही करते हो, तो समाज में आपकी पहचान होना बहुत जरूरी है। फिर अगला सवाल है, यह मधु है तख्ता निर्भय, ये जो लाइन आई है इसके आधार पर हमें बताना है कि मधु, गोरस और अंकुर, ये तीनों चीजों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो मधुमक्खी क्या करती है कि जो हमारा शहद होता है, बूंद बूंद करके वो शहद इकट्ठा करती है और बहुत समय लगता है, और मधुमक्खी अपना ये कार्य चुपचाप करती रहती है। इसी प्रकार जो हमारा कवि है,
कवि के गीतों की मधुरता युगों युगों से धीरे 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 इसके जो गीत हैं वो सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो गीत हैं गा रहे हैं लोग कवि के गीतों को। जिस प्रकार जो कामधेनु गाय होती है वो हमेशा अमृत के जैसा दूध देती है, उसी प्रकार जो कवि है वो भी समाज को अपने गीत देता है, अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया गीत देता है, ठीक है, जिससे समाज हमेशा आगे बढ़ता है। तो जो अंकुर स्वयं ही पृथ्वी को फोड़कर, जैसे आपने देखा होगा ना कोई भी चीज अंकुरित होती है पृथ्वी से निकलती है, तो पृथ्वी को फोड़कर अंकुर निर्भय होकर एकदम सूर्य को देखता है ना, वैसे ही कवि की जो कल्पनाएं होती हैं, जो वो अपने गीतों में गाता है, जो भी चीजें वो उसके गीत इतने अच्छे होते हैं कि आप ये सोचो कि उसकी इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। सो ये इसमें दो तीन चीजों का एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया था। फिर उसके बाद है यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है, इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये दीप अकेला कविता जो है, कवि ने एक छोटे से जलते हुए दीपक को, मतलब एक दीपक जल रहा है, ठीक है, और उसको ये बोला है कि एक छोटा सा मानव है, ठीक है, जैसे एक छोटा सा दीपक जलता है तो वो क्या करता है, बड़े से बड़े अंधेरे को नष्ट कर देता है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है, उसी प्रकार ये जो एक छोटा मनुष्य होता है वो भी इस दीपक के समान होता है। मतलब आप अपने कार्यों से समाज का बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे जो पनडुब्बा होता है वो समुन्द्र में गोते लगाकर मोती निकाल लाता है, वह भी समाज रूपी सागर में डुबकियां लगाकर समाज कल्याण के अनेक कार्य कर सकता है। जैसे एक पानी में डूबने वाला व्यक्ति जो डूब कर और मोती निकाल कर आता है, वैसे ही एक अगर इंटेलिजेंट इंसान है समाज में तो वो समाज रूपी इस समुद्र में जाएगा और अच्छा अच्छा काम करेगा अपने समाज के लिए। तो जैसे एक एक बूंद के मिलने से सागर बनता है, वैसे ही ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे मनुष्य अगर समाज में इकट्ठे हो जाएंगे जो समाज के लिए मर मिटना चाहते हैं, तो वो हमारा समाज भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद अगला सवाल है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए एक बूंद कविता का मूल भाव बताइए। तो ये जो मैंने देखा एक बूंद कविता है, इसमें जो एक क्षण होता है, जो एक मोमेंट होता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो मनुष्य अपने क्षण भर के जीवन को भी बूंद की तरह सार्थकता प्रदान कर सकता है। मनुष्य का हर क्षण कीमती है, कहने का मतलब है आपकी लाइफ में आप एक मिनट भी वेस्ट मत करो। आपकी लाइफ का एक एक मिनट, एक एक क्षण बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, और हर क्षण का जो मूल्य है, हर मोमेंट की वैल्यू समझो। आपके पास जितना टाइम है उसको, उसकी रिस्पेक्ट करो। बूंद का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि एक क्षण भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। आप एक पल में क्या से क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। कवि ये कहता है कि एक बूंद जब सागर से अलग होती है तो उसका नष्ट होना तय है। मींस कोई समुद्र है, वहां से कोई बूंद उछली, वो वापस आएगी जरूर समुद्र में, ज्यादा देर वो ऊपर हवा में नहीं रहेगी, वो बूंद निकली है सागर से तो वापस भी आएगी। सो बूंद सागर से अलग होकर नष्ट हो जाती है, परंतु सागर कभी नष्ट नहीं होता। और सागर यहाँ पे हमारे परमेश्वर को कहा गया है, हम सब परमेश्वर की संतान है, ब्रह्मा की संतान है, भगवान जो भी आप नाम देना चाहो, वो सागर क्या है, वो हमारे भगवान है। यहाँ पे बहुत सारी जीवात्माएं हैं, ये कुछ समय के लिए पैदा होती हैं, जीवन जीती हैं बूंद की तरह और वापस मिल जाती हैं आके उसी ईश्वर में। सो यही एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट जो हमारी कविता है बहुत जल्दी उसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और बाकी सब कुछ मैंने करा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो, और अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।